जब बाबा गरीबनाथ ने अपने भक्तों के लिए की रेलवे में गार्ड की ड्यूटी। मनोकामना पूरा करने वाले ज्योतिर्लिंगों में माना जाता है बाबा गरीबनाथ धाम को। यहाँ शिव का वास है। शिव का प्रिय माह सावन हर दिन खास होता है, हर पल खास होता है। सावन के महीने में खासकर सोमवारी को लाखों कांवरिया लंबी दूरी तय कर जल अभिषेक के लिए यहाँ आते हैं और साक्षात दर्शन करते हैं। माना जाता है कि जो भी बाबा गरीबनाथ के दरबार में शीश झुकाया उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और कोई भी अनहोनी नहीं होने देते बाबा अपने भक्तों पर। इस मंदिर में प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने बताया कि एक बार तो बाबा गरीबनाथ ट्रेन तक चला चुके हैं। ऐसे तो कई कहानियां सामने आती है। बाबा गरीबनाथ देव जो देवों के देव महादेव है। ट्रेन चलाने वाली कहानी से पहले आपको यहां के एक साहित्यकार की जुबानी सुनाते हैं। बाबा गरीबनाथ शंकर की महिमा। साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज के अनुसार बाबा गरीबनाथ का एक भक्त हमेशा दर्शन कर ही हर रोज रेलवे की नौकरी करने जाता था। बाबा गरीबनाथ धाम से कुछ ही दूरी पर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन है जहां से वो गार्ड के पद पर थे। एक दिन वो बाबा का दर्शन कर पूजा की और वहीं उसे नींद आ गया और वो कई घंटों तक गहरी निद्रा में सो गया। कई घंटों के बाद जब आँख खुली तो अपने नौकरी के बारे में क्या होगा क्योंकि यहाँ निद्रा आ गई, ड्यूटी का बोध ही नहीं रहा, अब तो नौकरी गई। इसी उधेर बुन में वो उस दिन चिंतित रहा। उस दिन नौकरी पर अगले दिन अपने समय से गया और स्टेशन मास्टर के सामने गिर-गिराने लगा कि मेरी नौकरी बचा लो। स्टेशन मास्टर ने पूछा, क्या गलती किए हो? वो बोला, मैं कल सो गया था शिव के मंदिर में। स्टेशन मास्टर चकित हो उठा, कल तो तुम ड्यूटी किए हो, ट्रेन लेकर गए हो, ये तुम्हारा हस्ताक्षर है? आए हो मेरे भाई, अपने कर्तव्य का निर्वहन किए हो, सोनपुर तक गए हो ट्रेन लेकर और आए हो। स्टेशन मास्टर थोड़ा सोचने लगा, कहीं हमसे ही तो कोई भूल नहीं हुई? ठहरो, सोनपुर से पुष्टि करता हूँ। स्टेशन मास्टर ने पुष्टि किया कि उसके हस्ताक्षर सोनपुर में भी है। इतना जानने के बाद वो बाबू साहब सोचने लगे, अपने आराध्य देव से काम करवा लिया, ये अपराध मानकर वो भक्त हिमालय की तरफ चल पड़ा जो कभी मुड़ कर नहीं दिखाई दिया। बाबा गरीबनाथ की महिमा तो ऐसे अपरंपार है क्योंकि ये मनोकामना लिंग है, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये हमारे जन्म के पूर्व की एक भक्त की कथा है। उसमें हमारे दादाजी और पिताजी हुआ करते थे यहाँ के महंत। उस समय एक घाट जो अभी अखाड़ा घाट के नाम से जाना जाता है वहाँ के एक बाबू साहब थे और रेलवे में वो गार्ड का काम करते थे, लेकिन उनको बाबा गरीबनाथ से बहुत लगाव थे और रोज आते थे। पहले बाबा का दर्शन करते थे, उसका तो ट्रेन लेके अपना जाते थे, गार्ड का नौकरी करते थे। एक बार ऐसा हुआ जो आए बाबा का पूजा करते करते वो सो गए, गहरी नींद में सो गए। दो चार घंटे एक बार उनकी नींद खुली, बोले जी बाप रे बाप, तो मेरी नौकरी चली गई बिना जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसको मैंने खबर नहीं किया, अब तो मेरी नौकरी गई। और वो अपने घर चले गए। कल हो के सुबह वह फिर मंदिर आए, बोले बाबा हम तो जा रहे हैं, हमें तो नौकरी गई। और वो गए रेलवे स्टेशन, वहाँ अपने स्टेशन मास्टर को उन्होंने रिपोर्ट किया कि मैं कल नहीं गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो बोला आप पागल हो गए? पूछे गार्ड साहब, पूछे कैसे? बाबू साहब कहते थे लोगों को, बाबू साहब से लोग पूछा स्टेशन कैसे, तो कल मैं नहीं आया, गाड़ी लेके नहीं जा पाया। तो बोले आप झूठ बोल रहे हैं, या तो आप पागल हो गए या आप झूठ बोल रहे हैं। फिर पूछा कि कैसे, तो कल ही तो अपने गाड़ी ले गए हैं सोनपुर तक गए हैं, सोनपुर में गाड़ी को छोड़े हैं, आपका सिग्नेचर है सब मैंने है, जहाँ जाए जिस सब स्टेशन पर सिग्नेचर है, आप झूठ बोल रहे हैं। उनको एकाएक भान हुआ, अरे मेरे कारण मेरे महादेव मेरा रूप धर के गाड़ी ले गए और मैं उनसे काम करवाया। उसके बाद वो विरक्त ले लिए और वो आज तक घर छोड़ के जो हिमालय की तरफ गए, सो आज तक किसी को नज़र नहीं आए वो, और महादेव की भक्ति में ही डूबे रहे। कभी कदाल ऐसा लगता है जो वो साधु के वेश में बाबा गरीबनाथ के दर्शन करने आज भी आते हैं। उनका क्या नाम था? हम लोग बाबू साहब कहते सिंह, जैसे अखाड़ा घाट में उनका पूरा खानदान आज भी रहता है। Yeah.
अगले रिपोर्ट में फिर दिखाएंगे एक खास रिपोर्ट जो होगी बाबा गरीबनाथ से जुड़ी एक कहानी के साथ।